मैम, विराट कोहली की बच्ची को धमकी देने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला दर्ज किया गया? जी, इसका मामला हमने सोमवार को दर्ज किया था। उनके मैनेजर ने आके इसके बारे में कंप्लेंट की थी। उसके तहत आईटी एक्ट और 354 के ज़रिए ये जो FIR है वो रजिस्टर हुई थी। हमारा इन्वेस्टिगेशन वैसे 2 तारीख से ही शुरू हुआ था, क्योंकि ये ट्वीट बहुत वायरल हुआ था और बहुत सारी NGO और महिला संगठन ने इसके बारे में अपनी आपत्ति जताई थी, इस आपत्तिजनक ट्वीट के बारे में। तो हमने टेक्निकल एनालिसिस करके जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया है। तेलंगाना के सुंगा रेड्डी ज़िले से अरेस्ट किया है। इस मामले में हमें डिप्टी डायरेक्टर साइबर रिसर्च सेंटर दिल्ली की भी बहुत हेल्प हुई। इवन लोकल पुलिस ने भी हमें हेल्प की आरोपी को अरेस्ट करने के लिए, और मेरी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए ये आरोपी पकड़ लिया है। इस आरोपी का बेसिक बैकग्राउंड, ये IIT इंजीनियर है और ये उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी पढ़ाई कर रहा था। मैच के दौरान गप्पिस्तान रेडियो करके एक ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट का ये फॉलोअर है, वो उसको फॉलो करता है। और वो वहाँ पे एक ट्विटर का फाइट चल रहा था 2 ग्रुप्स के बीच, तो ये गप्पिस्तान रेडियो का फॉलोअर है, तो गप्पिस्तान रेडियो के वो जो ट्विटर का फाइट चल रहा था उसमें ये वॉच कर रहा था, उसमें ये सहभागी हुआ। और उसके बाद उसमें गुस्सा आने के बाद देर रात को उसने ये ट्वीट किया। जब सुबह उसको पता चला कि उसके ट्विटर बहुत वायरल हो चुका है, उसने तुरंत उसका अकाउंट डीएक्टिवेट किया।